तो आपने इस DIY के लिए यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट कलर के फैब्रिक को कट किया है, स्क्वायर में कट किया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही कलरफुल हैं और ये इन कलर के लिए हैं, स्ट्राइप वाले हैं। इस तरीके से फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और इसका मेजरमेंट है 4x4 इंच और सेम मेजरमेंट के ये भी स्ट्राइप वाले भी कट किए। इन्हें हम अरेंज करेंगे। ये मेरे पास 20 पीस है टोटल और ये 48 पीसेस, इन्हें अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए फैब्रिक को पहले सेट कर लेते हैं, इसके साथ कौन सा फैब्रिक अटैच करना है। तरीके से फैब्रिक को कर आप कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इसके साथ कौन सा फैब्रिक अच्छा जा रहा है। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे पीछे मैंने स्ट्राइप वाला लिया है, 4 पीसेस कलर। इस तरीके से टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 6 पीसेस लिए, एक रो में 6 पीसेस आएंगे इस तरीके से। अब इन्हें हम स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से दोनों का ही फ्रंट पोर्शन अंदर के साइड रहेगा और यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये अटैच हो जाए। इस तरीके से स्टिच करके फैब्रिक की एक रो बना लेंगे। यहाँ पर दो फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है स्ट्राइप वाले के साथ, इस तरीके से फैब्रिक को अटैच किया है। अब दूसरा कलर लेंगे इस तरीके से, जो भी चाहिए आपको कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और इस तरीके से रखना है और अब यहाँ से सीधी सिलाई कर लें। तो इस तरीके से स्टिच करके तीन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और अब चौथे वाले फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो स्ट्राइप वाला है वो आगे और पीछे होना चाहिए। अब इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे ही फैब्रिक को अटैच कर लिया है और हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई है। अच्छे से इस पर आयरन कर लिया है, फैब्रिक सेट हो गया है। आप देख सकते हो स्ट्राइप वाले दोनों बाहर के साइड, तो इस तरीके से अरेंज करना है। अब सेकेंड रो इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। इस तरीके से सेकेंड रो को भी मैंने अरेंज कर लिया है। आप देख सकते हो सेंटर पर मैंने कुछ प्लेन लिया है और कुछ प्रिंटेड फैब्रिक लिया और इस तरीके से इसे अरेंज कर लिया है। तो आप अरेंज करके पहले देख लीजिए साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है और फिर इसे स्टिच में इसे स्टिच कर लो। दोनों का ही फ्रंट पोर्शन अंदर के साइड रहे, इस तरीके से रखना है और यहाँ से सीधी सिलाई कर। तो इस तरीके से सेकेंड रो को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब थर्ड रो को रेडी करेंगे। इसी तरीके से सारी ही रो को प्रिपेयर कर, आपको फैब्रिक को मिक्स मैच करना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो अब इसी तरीके से मिक्स मैच करते हुए मैं इन्हें भी अरेंज कर लूंगी और स्टिच कर लूंगी। यहाँ पर सारे ही स्क्वायर पीस को अटैच कर लिया है और टोटल 10 रोज रेडी हुई है और अब इन्हें हमें आपस में अटैच करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट रो और उसके सामने मैंने सेकेंड रो को रखा है और इस तरीके से अरेंज करना है। स्ट्राइप वाले के सामने प्रिंटेड वाला आ रहा है, इसी तरीके से ये जो स्ट्राइप वाला है इसके सामने इस तरीके से कलर डाले। तो इस तरीके से अरेंज कर, यहाँ पर इस तरीके से मैं रखूंगी फैब्रिक, इस तरीके से सेट करना है। दोनों का ही फ्रंट पोर्शन अंदर के साइड रहेगा। अब यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर लूंगी तो ये अटैच हो जाए। आपको दोनों रोज का ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच करते हुए अटैच करना है इन्हें, ताकि स्ट्राइप के सामने कलर्ड पार्ट आए और कलर्ड के सामने स्ट्राइप। तो इस तरीके से अरेंज करना है, यहाँ से सीधी सिलाई कर लूंगी तो ये अटैच हो जाएगा हमारी फर्स्ट रो और सेकेंड रो। इस तरीके से फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो हमारी अटैच हो गई और अब थर्ड रो को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अरेंज करेंगे, ये कलर्ड वाला है, इसके सामने स्ट्राइप वाला आना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आप आगे पीछे आपको देखना है, जो स्ट्राइप वाला है ना उसके सामने कलर्ड आना चाहिए। तो इसी तरीके से अरेंज करना और अब इसे मैं इस तरीके से उठाकर सेकेंड वाली रो के ऊपर थर्ड वाली रो को रखना। अब मैं यहाँ से सीधी सिलाई कर लूंगी तो ये भी अटैच हो जाएगा। थर्ड रो को भी मैंने अटैच कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा पैटर्न रेडी होगा। और अब फोर्थ रो को अटैच करना है, इसी तरीके से रखना है, प्रिंटेड है और इसके सामने स्ट्राइप वाला तरीके से, और ये स्ट्राइप वाला है इसके सामने प्रिंटेड। तो इस तरीके से मैं फोर्थ रो को भी अटैच कर लूं। इसी पैटर्न को फॉलो करना है और एन रोज है ना सबको इसी तरीके से स्टिच कर लें। तो सारे ही स्क्वायर पीस को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है और ये हमारा पैटर्न इस तरीके से रेडी हुआ है। यहाँ पर स्ट्राइप वाले फैब्रिक दोनों साइड बाहर की तरफ है, मैं इसे कट करूँ। किस तरीके से कट करना है, ये जो इसका एंड पोर्शन है ना, दोनों का ही एंड पोर्शन, इसको छोड़ना है, इस वाले पोर्शन को छोड़ना है इस साइड और दूसरे साइड से एंड पोर्शन में इसे छोड़ना है। और फिर मैं मार्क कर लूंगी जितने पार्ट को मुझे कट करना है, यानी इसको छोड़ते हुए यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से स्केल को रखेंगे, जो स्ट्राइप वाला फैब्रिक है ना इसको हाफ हाफ में कट करना है। तरीके से जितना पार्ट मुझे कट करना है ना स्ट्राइप वाले पर ही मार्क करना है, मैं इस तरीके से मार्क करूँ और जो कलर्ड वाला पार्ट है ना उसके कॉर्नर से कॉर्नर को मैच करते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना। ये हम एंड पे आ गए हैं और एंड पोर्शन को इस साइड से तो कट करना है, एक साइड से कट करेंगे और दूसरे साइड से नहीं, इस साइड से कट नहीं करना है। अब इसे मैं कट कर लूं, जो मार्क किया है ना उतने पार्ट को कट कर लूं, इस पार्ट को छोड़ना है और यहां से मैं इसे कट कर। कट करते समय आपको ध्यान देना है कलर्ड वाला पार्ट जो इसका कॉर्नर है ना उतने पार्ट को छोड़ते हुए कट करना है। तो इस तरीके से एक साइड में इक्वल मेजरमेंट में मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और अब दूसरे साइड इसे कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने दूसरे साइड कर लिया है, इसका जो एंड पोर्शन है इसको हम छोड़े, यहाँ से मार्क करना
स्टार्ट करें, जो कलर्ड वाला पार्ट है ना उसके एंड पोर्शन से मार्क करना स्टार्ट करना है। इतने पार्ट को मैं कट कर लूं, दोनों साइड स्ट्राइप वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मार्क करके मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये अनइवन है, तो इसे भी मैं मार्क कर लूंगी। कॉर्नर जितना कट किया था ना वहां से स्केल को रखना है और अब निशान लगा लेंगे और उतने पार्ट को मैं कट करूंगी। दोनों साइड से इसी तरीके से करना है, तो अब इतने पार्ट को मैं कट कर दूंगी। ये सेम मेजरमेंट में आ गया है और इस साइड भी इतने पार्ट को कट करना है। एक्स्ट्रा आ रहा है ना कॉर्नर से, उतने पार्ट को मार्क करो साइड से। तो एक साइड मैंने कट कर लिया है और अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से मार्क करके कट कर लूंगी। तो चारों साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से ये रेक्टेंगल में पीस आ गया है। इस तरीके से अब इस साइड्स में मैं स्ट्रिप अटैच करूंगी। यहाँ पर मैंने स्ट्राइप वाली स्ट्रिप कट की है और इसका मेजरमेंट है 4 इंच। इस तरीके से स्ट्राइप में इसे कट किए हैं, स्ट्राइप वाले स्ट्रिप को एक में एक साइड लगाऊंगी और दूसरे साइड भी इसे इसी तरीके से लगा लेना है। मीन्स चारों साइड हमें ये स्ट्राइप वाले फैब्रिक को अटैच करना है। इसे इस तरीके से रखूंगी और यहाँ से सीधी सिलाई कर अटैच हो जाएगा। तो ये जो 4 इंच की स्ट्रिप मैंने कट की है वो हम इस तरीके से रखेंगे। दोनों का ही सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा, उल्टे के साइड में स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीके से रखकर मैं दोनों साइड से स्टिच कर दो। इस तरीके से दोनों साइड मैंने फैब्रिक को अटैच कर लिया है और अब इस साइड और इस साइड फैब्रिक को अटैच कर यहाँ पर मैंने स्ट्राइप वाला फैब्रिक लिया है। इस तरीके से रखेंगे और जितना पार्ट मुझे चाहिए मैं कट कर लूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट कर ले रहते ताकि कहीं कम ना हो, इसलिए थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा ले। इसे राइट साइड अंदर की तरफ है, ये रॉन्ग साइड है और यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी इसी तरीके से फैब्रिक को मैं अटैच कर लूँ। इस तरीके से चारों साइड मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पर एक और फैब्रिक मैं अटैच करूंगी, तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है। इसमें पिंक कलर है, कोई भी कलर ले सकते हो। अगर आप ऐसा बना रहे हो कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपने अंदर के साइड लगाया है। इसे मैं इस तरीके से रखूंगी, दोनों का ही फ्रंट साइड अंदर की तरफ रहे और यहाँ से सीधी सिलाई कर लूं। इसका मेजरमेंट जो लिया है वो है 3 इंच। दोनों साइड इसी तरीके से फैब्रिक को अटैच कर स्ट्राइप वाले फैब्रिक के साथ। फैब्रिक को मैंने चारों साइड से अटैच कर लिया है इस तरीके से और अच्छे से इस पर आयन कर लिया है। फैब्रिक सेट हो गया। इस तरीके से चारों साइड आप देख सकते हो। बेस के लिए, क्योंकि ये बहुत पतला है, वो बेस के लिए मैं थोड़ा सा थिक फैब्रिक अटैच करूँ। बेस के लिए यहाँ पर मैंने ओल्ड टॉवल ली है। टॉवल का कपड़ा मोटा होता है। इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो जो थोड़ा सा मोटा, बेडशीट भी ले सकते हो और इस पर मैं फ्रंट फैब्रिक को स्प्रेड कर लूँ। मेजरमेंट सेम नहीं है, एक्स्ट्रा है ना, उसको स्टिच करने के बाद मैं कट कर लूँ। ज्यादा ही है, कम नहीं लेना। ये बड़ा है टॉवल का कपड़ा। बेस को अटैच करने से पहले आपको अच्छे से आयन कर लेना है। आयन करने से जब आप स्टिच करोगे ना तो सल नहीं आएगा, अच्छे से स्टिच होगा। पर मैं इस तरीके से पिन लगा रही, फैब्रिक हमारा स्टेबल हो जाए, स्टिचिंग करना इजी। इंटर पर मैंने इस तरीके से पिन लगा लिया है, मैं स्टिच करूंगी। तो स्टिच कैसे करना है, सबसे पहले ये जो ज्वाइंट किया है ना स्ट्राइप वाला फैब्रिक है ना, इसे ज्वाइंट किया है, इस पर हम सिलाई करें चारों साइड से अंदर की तरफ। चारों साइड से इसे स्टिच करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, फैब्रिक हमारा बड़ा है तो आप पेशेंस के साथ इस काम को करिए। अंदर के साइड ज्वाइंट पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है चारों ही साइड से। ये जो बाहर की साइड ज्वाइंट है ना इस पर स्टिच कर, साइड से इसी तरीके से मैं इसे स्टिच कर रही हूं। तरीके से फैब्रिक को मैंने चारों साइड से स्टिच कर लिया है और जो बाहर वाला पिंक वाला फैब्रिक है ना इसको भी बेस के साथ लिया है चारों साइड से इसी तरीके। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर लूंगी। जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना। बाहर के साइड वाला स्ट्रिप है ना इसे अटैच करने के बाद ही कट करना। जैसे पिंक वाले फैब्रिक को बाहर के साइड बेस से अटैच कर लिया है मैंने इस तरीके से और फिर जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है। मेजरमेंट का ये हमारा रेडी हो गया। इसको कट करने के बाद पर मैं इस तरीके से मैंने फैब्रिक कट किया है। आपको ध्यान रखना है सेंटर में हमने फैब्रिक अटैच किया है ना उससे मैच करता हुआ ही फैब्रिक लगाओगे तो अच्छा लगेगा। अब इसे हम बैक साइड कर लेंगे। डन कर लिया है, जो स्ट्रिप कट की है इसे मैं अटैच करूंगी। इस तरीके से रखना है बैक साइड से। पूरे लेंथ में मैंने इसे कट कर लिया है दोनों साइड फुल लेंथ में और यहाँ से मैं इसे स्टिच कर लूँ। ये जो स्ट्रिप मैंने ली है इसकी ब्रेथ है 2 इंच। अब इस तरीके से बैक साइड से मैंने इसे रखा है और सीधी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड स्ट्रिप को इसी तरीके से मैं अटैच कर, स्ट्रिप को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। दोनों ही साइड से इसी तरीके से अटैच किया। मेरे पास ये स्ट्रिप छोटी थी, लंबी नहीं थी इतनी, तो मैंने इस तरीके से ज्वाइंट लगाया है। दूसरी स्ट्रिप जो ज्वाइंट लगाया है ना उसी के साइड बैक साइड से स्टिच करना है आप, ताकि जब हम इसे टर्न करें फ्रंट साइड में डबल फोल्ड करना है तो ये पोर्शन क्लियर आए। इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से ले जाते हुए यहाँ से अब सीधी सिलाई कर ले। जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है ना वो दिखाई नहीं दे, इसलिए जब भी आप अटैच करें अगर इस तरीके से ज्वाइंट लगाया है तो ज्वाइंट वाले पोर्शन से ही आपको रखना है। अब यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर लूंगी, दोनों ही साइड इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पोर्शन पर मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और आपको यहाँ पर दिखा दूं ये जो ज्वाइंट है
ये भी पोर्शन बहुत क्लियर आया है। थ्रेड भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे, से अटैच करना है। यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिप है, इसे मैं इस तरीके से रखूंगी, यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से करना है। साइड में मैंने इस तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और अब इसे हम फ्रंट के साइड पलट लेंगे। तो ये ज्वाइंट लगाया है तो उसी साइड से अटैच करना है। डबल फोल्ड करूंगी, 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड, इसके ऊपर से ले जाते हुए इसे अब मैं सीधी सिलाई कर लूंगी। दोनों साइड इसी तरीके से करना है। हमें इसे ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ पोर्शन मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसे इस तरीके से अंदर के साइड में फोल्ड कर लूंगी, फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो। और अब इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से सीधी सिलाई कर लेनी है। तो दोनों साइड इसी तरीके से करेंगे। तरीके से चारों ही साइड मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है इस तरीके से। तो एक बार इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूं कि ये कैसा लग रहा है। चारों साइड से मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये DIY कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।